हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जो आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की भी बात यहाँ पर होगी, और क्या क्या परिवर्तन हुए, कब से राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बननी चालू हुई, इन सभी बातों पे यहाँ पे हम सभी चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट किया जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो भारतीय कल्याणकारी राज्य अपने समाज की दशाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित नीति बनाते रहते हैं, और भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय नीतियाँ बन चुकी हैं। ठीक, चौथी जो है आपका ये 2019 का है, यानी 3 बन चुकी हैं। पहली जो नीति बनी थी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1968 में, जो कि कोठारी आयोग की अनुशंसा पे ही आधारित थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजीव गांधी के शासनकाल में 1986 में बनाई गई, और तीसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो आपका 2016 में बनी। अब आगे इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। जो पहली शिक्षा नीति थी 1969 की, हमने आपको बताया कि कोठारी आयोग की अनुशंसा पे बनाई गई थी, और कोठारी जी का नाम था दौलत सिंह कोठारी, जो उस समय यूजीसी के अध्यक्ष थे, और कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया था। इनके प्रतिवेदन का जो शीर्षक था वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, इसके नाम से उन्होंने जो समिति बनी थी वो रिकमेंडेशन की। उसके बाद इसका जो संशोधन था वो 1986 में बनाया गया राजीव गांधी के समय में। 1986 का जो थोड़ा सा परिवर्तन रूप था, यानी राष्ट्रीय शिक्षा कार्य योजना थी, वो आई है 1992 में। उसके बाद सन 2016 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, जो सुब्रमण्यम आयोग की अनुशंसाओं पर ही आधारित थी। सुब्रमण्यम ये कैबिनेट सचिव थे तत्कालीन, जिनका पूरा नाम था TSR सुब्रमण्यम। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो आपका 10+2+3 है, नीचे यहाँ पे लिखा गया है, यह किसकी देन है? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कोठारी आयोग की ही देन थी। इन्होंने ये बताया कि जो 10 साल माध्यमिक शिक्षा, 2 साल आपका माध्यमिक उच्च शिक्षा, और उसी में प्लस 3 साल मिला के स्नातक शिक्षा। स्कूल शिक्षा अभियान यानी कि जो दूसरी शिक्षा नीति थी 86 की, उसकी जो देन थी कि स्कूल सर्व शिक्षा अभियान जो आपने देखा था, उसके बाद मिड डे मील, नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, केंद्रीय विद्यालय बने, सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग दूसरी शिक्षा नीति की ही देन रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और ये बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है, तो अर्थात कि यदि मान लीजिए 2019 का जो शिक्षा नीति है उसने जो रिकमेंडेशन किया अनुशंसा दी, उसको माने या ना माने राज्य, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, अगला है यहाँ पे यशपाल समिति, ये बनाई गई है 1992 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। इस समिति का कार्य विद्यालयी बच्चों पर से शैक्षिक बोझ को कम करने का उपाय सुझाना था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 जो था 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रारूप प्रस्तुत किया, और यह ड्राफ्ट पॉलिसी एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के आधारभूत स्तंभ पर बनाई गई थी। यानी क्या क्या था इसमें? एक्सेस था, इक्विटी, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी जब इतनी शिक्षा नीतियाँ थीं? तो भारत में विशाल जनसंख्या की वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता रही। अब देखिए, नई शिक्षा नीति में उसकी गुणवत्ता, शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान के संदर्भ में आवश्यकताओं को बदलने की गतिशीलता को भी ध्यान दिया गया। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस
बनाकर भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाना। यह नीति विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और उद्योगों में मानव शक्ति की कमी को दूर करने पर भी ये केंद्रित हो रहती है। इसकी कुछ सिफारिशें हैं, देख लिया जाए तो इसमें जो माना गया कि इस मसौदे के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे को विस्तृत कर दिया गया, साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया। मसौदा नीति में लिबरल आर्ट एजुकेशन के 4 वर्षीय कार्यक्रम को फिर से चालू करने और एमफिल प्रोग्राम को रद्द करने का प्रस्ताव भी इसमें दिया गया। नए पाठ्यक्रम में 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिए 5+3+3+4 डिजाइन किया गया, अर्थात कि आयु वर्ग 3 से लेकर 8 वर्ष और 8 से लेकर 3 वर्ष, 11 से लेकर 14 वर्ष और 14 से 18 तक। तो ये अलग अलग पाठ्यक्रमों के अलग अलग डिजाइन यहाँ पे तैयार किए गए हैं, जिसमें बुनियादी शिक्षा से लेके हायर सेकेंडरी शिक्षा तक पढ़ाई शामिल किया गया। यह मसौदा नीति शिक्षा अधिकार अधिनियम 1986 की धारा 12(1)(c) को निजी स्कूलों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के समावेशन की बात करता है, साथ ही साथ अधिक बेहतर क्रियान्वयन के साथ लागू करने की भी बात की जाती है। अन्य सिफारिशें कौन कौन सी हैं, तो अन्य सिफारिशों में 10वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए लचीली और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं के प्रावधान के लिए स्कूल शिक्षा में एक सेमेस्टर प्रणाली का आरंभ करना, साथ ही साथ उच्च शिक्षा संस्थान में 4 साल के स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और मौजूदा 3 वर्षीय BA, BSc, BCom, BVo कार्यक्रम के पुनर्गठन के साथ छात्रों को एकाधिक निकास और प्रवेश विकल्प प्रदान करने के प्रावधान के साथ सुझाव भी दिए गए हैं। एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना का भी बात की गई, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण NHERA की स्थापना की जाएगी, जो UGC और AICT और अन्य सभी निकायों में इसमें शामिल करेंगी, अर्थात कि जो आपका UGC है उसके वो किस में शामिल होगा, UGC, AICT ये रहेगा NHERA यानी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण में। उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय सदस्य के व्यवसायिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति भी दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा के लिए प्राचीन ज्ञान प्रणालियों के योगदान को भी सुनिश्चित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या विवाद है, एक बात और यहाँ पे जान लीजिए, जो BEd का कोर्स है इसमें प्रस्तावित है कि 4 वर्ष, यानी कि जो BA BEd हो जाएगा तो ये आपका 4 वर्ष में BSc BEd करिए, BA BEd करिए, इंटीग्रेटेड कोर्स माना जाएगा। और जो PG पास लड़के हैं यानी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिया उनके लिए BEd 1 साल, जो स्नातक पास हैं BA या BSc पास हैं उनके लिए 2 साल BEd। ठीक, तो BEd पाठ्यक्रमों के बारे में ये घोषणा इसमें शामिल है। विवाद की बात कर लें कि आखिर विवाद क्यों रहा है, तो इस मसौदे के जिस हिस्से पर सबसे ज़्यादा विवाद था वह है त्रिभाषा फार्मूला, अर्थात स्कूली शिक्षा के समय से ही 3 भाषाओं को सीखने पर जोर देना। बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तय किया गया, इस प्रकार विद्यार्थियों से अपेक्षा की गई कि वे स्थानीय भाषा या मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी भाषा को सीखें, अर्थात मातृभाषा जो उनकी स्थानीय भाषा है और हिंदी और अंग्रेजी को सीखें। यदि किसी भी मातृभाषा, किसी की मातृभाषा हिंदी है तो वो कोई अन्य भारतीय भाषा सीखे। मसौदे के इस प्रावधान को दक्षिण भारतीय राज्यों ने हिंदी थोपने का प्रयास कहकर विरोध किया, हालांकि सरकार ने ऐसे किसी भी प्रयास को लागू करने की संभावनाओं से इनकार कर दिया। राज्यों की जो आपत्तियां थीं वो था कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक
और उत्तर पूर्व भारत के राज्य हिंदी सिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषी राज्य अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी दक्षिण भाषी या दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल करने के पक्षधर में नहीं हैं। राज्य सरकार का यह भी कहना है कि उनके पास इस त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं हैं। ठीक, तो ये रहा 2019 की नीति का मसौदा। इसमें बहुत ज़्यादा आपसे नहीं कुछ पूछा जाएगा, बस विवाद वगैरह भी इससे पूछे जा सकते हैं, या इस समिति का नेतृत्व किसने किया, किसके रिकमेंडेशन पे ये बना, तो कस्तूरी रंगन के। अगला है अध्यापक परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद। तो ये जो इसकी स्थापना की गई थी, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 की अनुशंसा पर 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद आयोग या परिषद का गठन किया गया था। यह गैर वैधानिक संस्था है। कैसी है? गैर वैधानिक संस्था है। यह एनसीईआरटी का अध्यापक शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी का अध्यापक शिक्षा विभाग एनसीईटी के एकेडमिक सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसकी चार परिषदें हैं, यानी चार क्षेत्रीय समितियां हैं, जो 6 जनवरी 1996 से अस्तित्व में आई, जिसमें एक आपका उड़ीसा में है, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा आपका जयपुर में, चौथा कर्नाटक में है। ठीक, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे देखिए कुछ रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं, और ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, यानी एक प्रकार से ये परिषदें ही हैं। तो नंबर एक है ICHR, ICHR यानी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। 1972 में स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका कार्य है ऐतिहासिक शोध कार्यों की समीक्षा करना और इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना। अगला है भारतीय अनुसंधान दार्शनिक अनुसंधान परिषद, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ICPR। 1977 में स्थापना हुई, नई दिल्ली और लखनऊ में इसके केंद्र हैं। यह दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने का कार्य करती है। अगला ICSSR, देखिए UGC में आपका ये पूछा गया है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिए कि किस भी विभाग के कौन हायर एजुकेशन या आपके उच्च अनुसंधान संस्थान हैं, ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। ICSSR ये आपका भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। 1969 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में। इसका काम है सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में बढ़ावा देना और उसमें समन्वय का कार्य करना। अगला NCRI है, NCRI यानी राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद। अब देखिए ये वाला आपका UGC में पूछा गया था डायरेक्ट कि कहाँ पे है, तो ग्रामीण संस्थान परिषद आपका कहाँ पे है, हैदराबाद में 1995 में बनाया गया। यह गांधीवादी दर्शन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात करता है। क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में यहाँ तक। आगे हम आपको बताएंगे कि भारत में उच्च शिक्षा की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। धन्यवाद।